जय हिंद वन मातरम। साथियों बात करेंगे प्रतिदिन तरह आज की अपडेट की और जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनकी। साथियों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज काफी सारे कोर्सेज की लास्ट डेट है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो साथियों बात करते हैं सबसे पहले जो हमारे 18 तारीख से एग्जाम है ट्रेडिशनल कोर्स के, तो उनके जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं, वो आप CCS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में बात करें साथियों अभी जो बीएड के एग्जाम है वो 16 तारीख से ही एग्जाम है, अभी कोई परिवर्तन नहीं है। आप किसी भी तरीके के भ्रम में ना आए कि आपकी जो एग्जाम है 16, 18 और 20 के वो डेट सीट चेंज हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके आगे बात करें साथियों यदि आपको CCS यूनिवर्सिटी से MEd, BPed, MPed या LLM में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल करने की आज लास्ट डेट है, तो आज आप फॉर्म फिल जरूर कर लीजिएगा यदि आपको इनमें से किसी कोर्स में एडमिशन लेना है। इससे आगे बात करें साथियों यदि आपको उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉलेज से पॉलिटेक्निक या डी फार्मा करना है तो उसके लिए भी आज लास्ट डेट है, वो भी आज आप फॉर्म फिल जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, अब बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। अब कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी अब आपका विदाउट रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो कोई भी कॉलेज अपना एडमिशन डी फार्मा में या पॉलिटेक्निक में नहीं ले सकता है। यदि आप डी फार्मा या पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कर लीजिए। ये हमारे छोटे बेटे हैं जो कि बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं। हाय बोलो बेटा, एक बार हाय बोलिए, एक बार अपना नाम बताइए, अपना नाम क्या है? हैप्पी, जोर से बोलिए हैप्पी। ओके थैंक यू, जाइए। मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू। तो ये हमसे बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही दिल के करीब है जैसे कहते हैं। तो आपको ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीज़ें क्लियर करी दी है, तो हैप्पी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।